निकाला दूसरे सेटअप से। I think you all have waited enough and you all deserve to know now. Guruji, slowly open all your eyes. Dheere se apni aankhein khol dijiye. Aham Brahmasmi. Mausam kharab hone ke karan मेरा विमान धरती को चूमने में विलंब कर दिया, इसलिए थोड़ी देरी से पहुंचा। अभी आप लोग शायद थोड़ा शांत महसूस कर रहे होंगे या अभी भी परेशान हैं। शांति क्या बात है? इंसान का स्वभाव यही है कि कुछ भी अनुसूची के हिसाब से नहीं हुआ तो हम परेशान हो जाते हैं। बच्चे मेरा शॉल आने वाला है, लेते आना। गुरुजी का शॉल नहीं है तो गुरुजी स्वयं परेशान है, समझ रहे हो ना? हंस रहे हो तुम? शर्ट का बटन खुला है, परेशानी समा जाती है, बटन बंद रखा करो। तो हम परेशान हो जाते हैं कुछ भी हमारे मुताबिक, हमारे सोचे अनुसार ना हो, और इस तर्क से चला जाए तो इंसान जिंदगी भर शायद सिर्फ परेशान ही रहे। संसार में सबसे ज्यादा अप्रत्याशित क्या है? करियर, अनप्रिडिक्टेबल, वेदर और पॉलिटिक्स, क्रिकेट। देखिए, करियर, वेदर, पॉलिटिक्स, क्रिकेट, देखे कैसे जवाब आ रहे हैं। ये हमारी मनोदशा बता रहे हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये कौन है जो आकर पत्रकार सम्मेलन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, यही बोलते हैं ना रवि जी? तो ये कौन है जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपने हिसाब से नियंत्रित कर रहा है? सुबह सुबह उठकर ये तो कभी नहीं सोचा होगा कि ये प्रेस वार्ता, ये पत्रकार सम्मेलन, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह एक सभा में बैठना पड़ेगा, और पूछने के बजाय सुनना पड़ेगा। सोचे थे? नहीं। लाओ, अहम ब्रह्मास्मि, मेरी परेशानी दूर। आपकी हुई कि नहीं? तो कौन सोचा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछने के बजाय आपको सुनना पड़ेगा मुझे? तो उस हिसाब से तो सबसे ज्यादा अप्रत्याशित, अनप्रिडिक्टेबल हमारी जिंदगी हुई ना। देखिए, अब मुझे बाबा या गुरुजी समझकर आधे लोग ऐसे ही बोर हो जाएंगे। अब क्या करें? कुछ लोगों की वजह से हमारी इमेज ही कुछ ऐसी बना दी गई है। पर आप लोग बोर ना हो, क्योंकि गुरुजी गीता भी जानते हैं
और पपराजसो भी। खींच, तू खींच मेरी फोटो। पपराजसो समझते हैं, पपराजी। चलिए, मुझे लगता है कि यहाँ बहुत सारे मिलेनियंस भी होंगे। वो ब्लू मोबाइल कवर वाली लड़की 90s की हो ना? तुम ही जो पीछे देख रही हो, आपको ही बोल रहा हूँ। मिलेनियल किड्स लग रही हैं मुझे आप। अच्छा होता पार्टीशन बना दिए होते, इधर 90 के बाद वाले मिलेनियल किड्स और इधर बाकी फ्रीडम फाइटर। वैसे कोई सिनानी दिख नहीं रहे हैं, मैं ही हूँ फ्रीडम फाइटर टाइप। खैर चलिए, तो अब आप में से बहुत सारे लोग मिलेनियल्स होंगे, तो आप मुझे गूगल ही समझ लीजिए। और हाँ, मैं हर सर्दी या जुकाम को कोई जानलेवा बीमारी नहीं बताऊंगा, प्रॉमिस। गूगल बताता है ना, छींक भी आई सर्च करोगे तो उसका अंत मौत ही दिखाता है कि आप इससे मर भी सकते हैं। तो खैर, मैं आपको गूगल की तरह परेशान नहीं करूंगा। आप लोगों की तरह मैं भी काफी इच्छुक हूं आगे की कहानी जानने के लिए सीक्रेट गेम का। आपकी आंखों में तो मुझे सवाल भी दिख रहा है। आपको पता है दुनिया में प्रत्याशा से भी ज्यादा दर्दनाक चीज क्या होती है? बिंज वॉच करते वक्त क्लिफ हैंगर्स का आ जाना। गुरुजी, आपका काम है हमें सही दिशा दिखाना, तो फिर आपने गाइटोंडे को बचाया क्यों? वो तो डॉन है, और आपके वो आपके मतलब जो भी है वो कैसे बने? आप उनके तीसरे बाप बन गए जी, ये सब कैसे हो गया? बाप को थोड़ी पता होता है वो बाप बन जाएगा। वो तो बाद में ही पता चलता है। खैर, अच्छा सवाल था, और आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। अगर कोई बच्चा नालायक हो तो क्या उसके माँ बाप उसे त्याग देंगे, उसे मार देंगे? नहीं ना। मेरा काम तो सही रास्ता दिखाना है। किसी की मृत्यु, किसी का जन्म, वो मेरे हाथ में नहीं है। जिस तरह मैं गायतोंडे का तीसरा बाप हूं, हो सकता है किसी और का चौथा हो, किसी का पांचवा हो, या किसी का दूसरा भी हो सकता हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस महाभारत में मेरे जैसे इंसान का क्या काम? मुझे ना तो हिंसा का शौक है, नहीं दौलत का मोह। तो आखिर मेरा मकसद क्या है? ड्राइविंग फोर्स, उसी को मकसद कहते हैं ना। तो आखिर मेरा मकसद क्या है? हाँ, आपका, हाँ, या आपका मकसद? जी, आप कोई भी आराम वाली नौकरी कर सकते थे, आप में से सब कोई भी आराम वाली नौकरी कर सकते थे, पर आपने माध्यम बनना चुना। माध्यम, मीडियम, दुनिया में हो रही घटनाओं को हर इंसान तक पहुंचाने का माध्यम। मैं भी उसी तरह एक माध्यम हूं। उसके और आपके बीच में। गुरुजी, प्रणाम। इधर प्रणाम, प्रणाम। ट्रेलर में हमें बस आपकी एक झलक ही दिखी, जिसमें आपने कहा कि बलिदान देना होगा। किस विषय के बारे में आप बात कर रहे हैं? कैसा बलिदान देना होगा, थोड़ा उस पर अगर आप बताएं उसके बारे में। जी, रोशनी डालूं या विचार दूं? रोशनी डालेंगे तो बेहतर रहेगा। आई थिंक सब रोशनी ही ढूंढ रहे हैं यहाँ पर। जी जी हाँ, बलिदान, सेक्रीफाइस। आप सबने सुबह सुबह अपनी नींद का बलिदान दिया और यहाँ आए, हुआ है ना? तुम कल 3 देर से सोए थे, वो त्याग दो, जो रात में द्रव्य लेते हो छोड़ दो। ये भी हंस रहे हैं। तो आप सबने नींद का बलिदान दिया और यहां आए ताकि दुनिया से मेरा परिचय करवा सके। कुछ पाने के लिए बलिदान देना अनिवार्य है। जिस तरह से
नेटफ्लिक्स पर बिंज वॉच करने के लिए हमें अपनी नींद का बलिदान देना पड़ता है, अपने सोशल मीडिया को सक्रिय रखने के लिए वर्तमान में हो रहे उस पल का बलिदान देना पड़ता है। हम घर में चार लोग बैठे हैं, चारों को अपने सोशल मीडिया पर सक्रिय होना है और उस घर में अनसोशल माहौल बना हुआ है, सब अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, तो उस वक्त जो घटना घटित हो रही थी उसका तो बलिदान दिया कहीं और सक्रिय होने के लिए। खैर, जैसे सरताज सिंह को अपने अंगूठे का बलिदान देना पड़ा, गाय तुंडे को कुक्कू और सुभद्रा का बलिदान देना पड़ा, सच को सामने रखने के लिए आप सबको किसी भी न किसी चीज का बलिदान देना पड़ता है। अभी और भी बलिदान बाकी है, वक्त आने पर धीरे धीरे सामने आएंगे। उसी तरह जैसे आपके सवालों के जवाब भी अभी आपको जल्द ही मिलेंगे, 15 अगस्त को नियति है। मिलेनियल हंस रहा है, वो 15 अगस्त के नाम पे चश्मे वाला, प्रसन्न रहिए, प्रसन्न रहना आपका अधिकार है। आप सब लोग एक बार हंस सकते हैं, शर्माए नहीं, हंसी जो है मेडिटेशन है, एक ऐसा भाव है, हंसते वक्त आपके मन में ईएमआई का ख्याल नहीं चलता है। तो 15 अगस्त को जवाब मिलेगा, नियति यही है, क्योंकि मुक्ति ही आजादी है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। The floor is now open for any questions to Guruji. हाय पंकज जी, आई मीन गुरु जी, आपने और हमने काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं, ऐसा पहली बार है, बहुत अच्छा है ये। आपका क्या रिएक्शन था जब नेटफ्लिक्स टीम ने आपको कहा कि ऐसा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा? मैं तो पहले भयभीत हुआ कि ये काम हम अभिनय में करते हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एडिटिंग होता है, आप उस काम को कैमरे के थ्रू देखते हैं, अब मुझे सीधे सत्संग में बिठा रहे हैं, तो मैं इस बात से भयभीत हुआ कि क्या मैं ठीक से कर पाऊंगा। तो मैं यहाँ आया तो मेरी जो धमनियाँ होती हैं ना, 74 या कितना होती हैं धड़कने, 74 तो शायद 84 रही होंगी उस वक्त, बट अच्छा लगा मुझे भी, हमें भी बहुत अच्छा लगा। गुरु जी, अहम ब्रह्मास्मि करके सवाल समाप्त करें। अहम, हाँ जी, कोई नहीं जी, मिलेनियम किड इधर गुरु जी जी। हाँ, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने बलिदान की बात की जी। और कि बलिदान जो है वो अनिवार्य है, इस किरदार और इस वेशभूषा में आने के लिए आपने कौन कौन से बलिदान दिए हैं? सबसे पहले हिंदी सिनेमा में पिछले 15 सालों से मैं सक्रिय हूँ और ये मेरी दाढ़ी नहीं हट पाती थी जो आज भी है। गुरु जी के किरदार के लिए मुझे अपनी दाढ़ी का बलिदान देना पड़ा। सबसे पहले, पहली बार मैं आई थिंक क्लीन 7 दिखूंगा बिना दाढ़ी मूछों के। उसके बाद मुझे शूटिंग शुरू होने के पहले ऑलमोस्ट एक हफ्ते ताऊम सबसे दुनिया से कट के अपने ही घर के कमरे में बंद रहा। बीवी बच्चे परेशान हो गए थे कि पापा पता नहीं कौन सी तैयारी में लगे हैं, क्योंकि थोड़ा चुनौती भरा किरदार था ये, तो मुझे डर था। और जब अभिनेता के मन में डर और चिंता होती है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगता है। तो शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि इस रोल के लिए मैं, आमतौर पर मैं वो मेथड एक्टर नहीं हूँ कि दुनिया से कट के कमरे में बंद हो जाए, नहीं होता हूँ मैं कभी नहीं, बट इसके लिए मुझे रिक्वायर्ड था थोड़ा सा अलूप होना। तो मैंने अपनी दाढ़ी और अपने एक हफ्ते ऑलमोस्ट बलिदान दिए। प्रणाम गुरु जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं बहुत भयभीत हूँ, डरा हुआ हूँ, 14 दिन में क्या होने वाला है, मतलब मुंबई बचेगी या फिर हम चले जाएं कहीं? ये 15 दिन में पता चलेगा, यानी 15 अगस्त को, कि 14 दिन में क्या होने वाला है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, भयभीत ना हो, क्योंकि भय के आगे जीत है, समझ रहे हैं जी गुरु जी? ग्रीन टी पिया करें और ब्रीदिंग सुबह शाम आधा आधा घंटा done
सारा भय निकल जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। फर्स्ट सीजन के एंड में हम इधर गुरु जी, तो फर्स्ट सीजन के एंड में हम गाय दोंडे के तीसरे बाप यानी आपकी झलक मिली थी, तो क्या किस तरीके का रिलेशनशिप देखने को मिलेगा आपके और गाय दोंडे के बीच में? वही झलक दिखला जा जो पिता और पुत्र के बीच जितने संबंध हैं संसार में, उन सारे किस्म के सारे प्रकार के संबंध देखने को मिलेंगे। आप उत्तर से प्रसन्न हुए कि नहीं? बहुत प्रसन्न हुए। अहम ब्रह्मास्मि में खुश रहें, हंसते रहें, कुछ नहीं है दुनिया में, सब मिथ्या है, हंसी एक सत्य है, ठीक है ना? वेरी गुड। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। अनी आप कुछ पूछना चाह रही थी तो एक सवाल। ऑफ कोर्स यार। पहली कतार से जी। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। तो बस गेम ओवर, अब किस किस का होगा कुछ तो आज बताइए, इतनी सभा आज खास की है तो आज कुछ तो हम लेके जाएंगे यहाँ से। देखिए पवित्र खेल है, जब खेल पवित्र होता है ना तो पता ही नहीं चलता कि किसका किसका ओवर होगा, तो इसके लिए 15 दिन प्रतीक्षा करें, फिर पेशेंस सीखना होगा मतलब आज। जी जी, धैर्य तो बहुत जरूरी है, धीरज से ही सब कुछ होता है। थैंक यू। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। पंकज जी, हमने हिंदी सिनेमा में देखा है कि कई ऐसे किरदार हमने देखे हैं जो बाबागिरी करते हुए हमें नजर आए हैं, लेकिन बहुत ओवर ड्रामेटिक से किरदार होते हैं, बहुत लार्जर देन लाइफ जो होते हैं, बहुत नाटकीय होते हैं। आपका जो किरदार नज़र आ रहा है इस नेटफ्लिक्स के शो में सेक्रेट गेम्स में, वो काफ़ी रियलिस्टिक नज़र आ रहा है। आपने किस तरह की तैयारियां की, किस तरह के रिसर्च की, या इस तरह के बाबाओं को आपने ज़्यादा टीवी पे देखा रिसर्च के लिए, अपनी अपने किरदार की तैयारी के लिए? चूँकि मुझे रिटन मटेरियल बहुत अच्छा मिला था वरुण ग्रोवर और उनसे पहले जिनकी ये कृति है विक्रम चंद्रा, तो एक तो एक फिक्शनल कहानी पे है, फिक्शनल पात्र हैं, तो टेक्स्ट बहुत अच्छा मिल गया था। तो जब टेक्स्ट बहुत अच्छा मिल जाए ना तो अभिनेता को और रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत कुछ लिखा हुआ है वहीं पे। तो हाँ, जो दूसरी तैयारी करी थी कि एक तो दाढ़ी का बलिदान दिया और दूसरे कमरे में बंद रहे, क्योंकि डर होता है, एक भय होता है अभिनेता के अंदर भी कि हम बहुत सारे बाबाओं को देखे हैं सिनेमा में भी और जिंदगी में भी, तो उनका प्रभाव ना आ जाए हमारे ऊपर। मैं एक फिक्शनल किरदार बना रहा हूँ जो नया हो, जो हमने देखा है रियल में या फिक्शन में उनसे थोड़ा अलग हो, तो ये अटेम्प्ट मैंने अपनी तरफ से किया और ये मटेरियल में भी मिला था हमें राइटिंग की तरफ से। थैंक यू। शुक्रिया। आई एम ब्रह्मास्मि। Thank you guys. Thank you so much for joining us today. I hope you had a secret start to your day. For any further questions, you can get in touch with the Netflix team. They'll help you out. Thank you. This is the end of our day. Thanks. पवित्र काढ़ा पी लिए आप लोग? हाँ, पवित्र काढ़ा की भी व्यवस्था है। Y'all can, for the photographers, can come a little forward for any photos right now. कहाँ इधर आ जाओ। सुमित को
हाँ सर मतलब जो भी आपका सर लुक सेंटर Guys, bus? Yeah, thank you. Thank you. Thank you, sir. We are moving.